हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। बेसिकली यहां पर फाइनली कुछ अपडेट निकल के आई है इसके मर्जर से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और यहां से देखेंगे कि आखिर जो मर्जर है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। और यहां पे एक और अपडेट निकल के आई है जिसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बहुत ही सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दो ऐसे स्टॉक जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आज तो मार्केट क्लोज है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक की, वो आपको लगभग एट पार पर देखने को मिली थी। शेयर जो है 86.15 पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, यानी कि 86.15 पर, और 86.55 का, यानी कि 86.55 का इसने हाई बनाया था। तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो एक ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन पूरे मार्केट आवर्स में वो ड्रॉप भी कवर हो गया, तो जिस वजह से चीज़ें आपको थोड़ी सी ठीक नज़र आई, या फिर आप बोल सकते हो कि एट पार पर नज़र आई। अगर हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम इसमें इतना ज़्यादा अभी आता नहीं है। 2 करोड़ का वॉल्यूम है, जो कि उससे एक दिन पहले भी 2 करोड़ ही था। एवरेज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वो भी 2 करोड़ ही है, और एक महीने का देखें तो 3 करोड़ है। अच्छी बात ये है, दोनों में ही आप देखो, वीकली एवरेज या मंथली एवरेज, उसमें आपको 45% और 41% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज नज़र आ रही है, जो कि एक मजबूती इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में अगर माहौल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बनता है तो ये डेटा जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से रिटर्न प्रोफाइल पर नज़र डाल लेते हैं। तो रिटर्न आप यहाँ पे देखो, अभी तक इस साल में एक डिसेंट से रिटर्न दिए हैं 47% के आसपास के, यानी कि 46.85 के रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हफ्ते में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 4.5% के रिटर्न्स हैं, वहीं एक महीने में अभी करेक्शन मोड चलते हुए नज़र आ रहा है। 3 महीने में भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाते हो तो आप देखोगे 31% के रिटर्न्स, 1 साल में 50% के रिटर्न्स, 2 साल में 67% के रिटर्न्स, 3 साल में 161 और 5 साल में 144, यानी कि बिल्कुल जो एक ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जैसे वो रिटर्न्स देती हैं, जितना ज्यादा आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओ उतने ही रिटर्न्स बनते जाएंगे, वैसा ही सीन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये हो गई ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं कि आखिर जो मर्जर है इतने दिनों से पेंडिंग है, क्या उस पर क्या कुछ खबर है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे 13 नवंबर की न्यूज़ है, रात के 6:30 के आसपास की न्यूज़ है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि IDFC और IDFC फाइनेंशियल्स गेट्स नोट फॉर मर्जर विद IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉम BSE NSE पेंशन रेगुलेटर, यानी कि एक्सचेंज से यहाँ पर अब इनको मंजूरी मिल चुकी है। NSE, BSE और पेंशन रेगुलेटर्स से अब यहाँ पे इनके मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। और इससे पहले जब अपडेट निकल के आई थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें अगर आप देखो तो जो दूसरे रेगुलेटर्स थे वहाँ से इनको मंजूरी मिली थी, अब फाइनली यहाँ से एक्सचेंज से भी जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद NSE एंड BSE हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ IDFC एंड IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उनके साथ साथ NSE और BSE ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। कंपनी को नो ऑब्जेक्शन और ऑब्जर्वेशन लेटर दोनों ही जगह से मिल चुका है, और यहाँ से अब अगर आप देखते हो तो चीज़ें अब जो पेंडिंग है वो कुछ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी हैं, जिनमें RBI और NCLT का और रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर का जो है वो अप्रूवल बाकी है। जैसे ये अप्रूवल भी मिलते हैं आपको यहाँ पर मर्जर देखने को मिल जाएगा।
इनके अगर आप देखो जो सीईओ हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन, इन्होंने बोला था कि ये जो मर्जर है वो हमें अपने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफिकेशन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा और यहाँ से जो बुक वैल्यू पर शेयर है बैंक की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखो जो IDFC है उसका करीबन करीबन 600 करोड़ रुपए का कैश जो है वो इनकी खुद की बैलेंस शीट में है, जो कि वो आपको यहाँ पर जो इन्होंने स्टेक बेचा था ना उसके थ्रू भी मिलने वाला है, तो ये भी आपको बढ़ती हुए ही नज़र आने वाली है। साथ के साथ अब आता है मेन रेशियो कि एट द टाइम ऑफ मर्जर जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो 155 शेयर इश्यू करेगा अगेंस्ट एवरी 100 शेयर ऑफ IDFC, यानी कि जिनके पास भी IDFC के 100 शेयर होंगे उनको 155 शेयर मिलेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के, यानी कि एक विन विन सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है इस प्रॉपर मर्जर में। बैंक को भी फायदा हो रहा है और जो IDFC के होल्डर थे, शेयर होल्डर थे, उनको भी फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल रेशियो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हर 100 शेयर पे आपको 155 शेयर जो है वो मिल जाएगा। इससे अगर आप देखते हो तो IDFC फर्स्ट बैंक की जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो लगभग 4.9% से बढ़ते हुए नज़र आने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स आई थी अभी तक मर्जर पे। हो सकता है ईयर एंड तक आपको ये मर्जर कंप्लीट होते हुए भी नज़र आ जाए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अप्रूवल किस किस का मिल चुका है और किस किस का यहाँ पे अप्रूवल जो है वो अभी भी पेंडिंग है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम अभी यहाँ पे लगते हुए नज़र आएगा और उसके बाद चीज़ें आपको सॉर्टेड नज़र आने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस दिखाने वाले हैं। तो पहला जो स्टॉक निकल के आता है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, 300 रुपये का स्टॉक है और यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। 300 रुपये वाला स्टॉक आपको 4.5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 15 नवंबर इसकी एक्स डेट नज़र आती है। इससे पहले पहले पोजीशन बना लोगे तो डेफिनेटली डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अपने लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो वो निकल के आता है ओला टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, 187.88 के आसपास नज़र आता है। सर्किट वगैरह इसमें भी लगते हैं लेकिन इसमें आपको बोनस देखने को मिल रहा है और एक्स डेट है 20 नवंबर, लेकिन बहुत ही यूनिक रेशियो है 17:20 का, यानी कि 17:20 का बोनस अनाउंस किया है। अब इसके पीछे का लॉजिक तो नहीं पता लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई रेशियो देखा नहीं है कि जिसमें स्प्लिट या बोनस ऐसे दिया जाए। ठीक है, तो 17:20 का अगर आपको बोनस लेना है तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। बाकी वीडियो को आप केवल नॉलेज के पर्पज से देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना होने दें। धन्यवाद।